सीबीएसई पैटर्न से मिलेगा बायसी वासियों को बेहतर शिक्षा। पुणे मेयर विभा कुमारी, बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद एवं अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तोसी ने संयुक्त रूप से किया वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल का भव्य शुभारंभ। शिक्षा क्षेत्र में आकांक्षा फाउंडेशन का एक शाखा का बायसी में हुई शुरुआत, जिसका पूर्णिया मेयर विभा कुमारी, बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद एवं अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तोसी ने संयुक्त रूप से किया वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल का भव्य शुभारंभ। बायसी थाना क्षेत्र के हरिरामपुर NH 31 के समीप आकांक्षा फाउंडेशन का एक शाखा वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल का भव्य उद्घाटन हुआ। बताते चले कि उद्घाटन समारोह का प्रारंभ पूर्णिया मेयर विभा कुमारी, बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद एवं अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तोसी, वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल के निर्देशक प्रियांशु उपाध्याय, चेयरमैन आकांक्षा चौहान एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप ज्वलित कर तथा सामूहिक रूप से फीता काटकर उद्घाटन समारोह को संपन्न किया। वह इस मौके पर पूर्णिया मेयर विभा कुमारी ने शुभकामनाएं देते हुए विद्यालय की तरक्की की बात कही, जबकि बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि बायसी क्षेत्र में ऐसे प्राइवेट संस्था के खुलने से तालिमी बेदारी का माहौल होगा। वहीं बायसी अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तोसी ने बताया कि आपदाग्रस्त इस क्षेत्र में कहीं भी इंडस्ट्री नहीं है, ऐसे में वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल द्वारा सस्ता दर पर बेहतर शिक्षा मिलेगा, यहाँ के बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है। वहीं वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन आकांक्षा चौहान, निर्देशक प्रियांशु उपाध्याय, प्राचार्य अंकित गुप्ता ने अपने स्कूल की सभी व्यवस्थाओं को बताते हुए कहा कि उनके विद्यालय में सस्ते दर पर बेहतर शिक्षा के साथ साथ कम शुल्क पर छात्र एवं छात्राओं की आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और दूर से आने वाले छात्रों के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसको लेकर आज नई बस का फीता काटकर भी शुभारंभ किया गया। वहीं इस उद्घाटन समारोह के मौके पर यहां पर उपस्थित सभी पत्रकार को भी स्कूल कमेटी के द्वारा फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। वहीं आज उद्घाटन समारोह में वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम के तहत अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए स्टेज पर काफी समय तक थिरकते नजर आए, जिसमें कार्यक्रम में आए अतिथियों के द्वारा तालियों की आवाज से पूरा कार्यक्रम गूंज उठी। वहीं इस उद्घाटन समारोह में बायसी के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि कुर्बान अली, जिला परिषद मुख्तार आलम, हरिंदपुर पंचायत के मुखिया अली असगर, खपरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शाहनवाज आलम, विधायक प्रतिनिधि अब्दुल राजिक, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनवर आलम और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। बायसी की धरती में वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल का आज शुभारंभ हुआ है, आप लोग की तरफ से किस तरह का सहयोग रहेगा इस के वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारी पूर्णिया की मेयर साहिबा विभा जी, हमारी SDO साहिबा और हमारे मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और सभी के उपस्थिति में यहाँ हुआ। चूँकि हमारा एरिया शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा था, हम लोगों तो इस स्कूल के स्थापना के बाद ये सोचेंगे कि हम लोगों के इलाके के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि शिक्षण अशिक्षा का प्रचार प्रसार होगा और यहाँ के गार्जियंस को भी हमने अपनी ओर से आह्वान किया है कि शिक्षा के लिए अपने बच्चों को अग्रसर करें ताकि तालीमी बेदारी का माहौल हो। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रियांशु जी को और आंचना जी को, जिन्होंने एक अच्छा पहल का शुरुआत किया है और हम लोगों की तरफ से पूरे सहयोगात्मक भाव से इनको सहयोग मिलेगा ताकि इस विद्यालय के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अल्लामा इकबाल के उस शेर के साथ, यकी महकम अमल पहम मोहब्बत फात है आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर है। क्योंकि आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, तभी किसी चीज का आगाज होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आज बायसी वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ के बायसी माननीय विधायक जी भी हैं, SDO साहब भी हैं और इस विद्यालय के प्रबंधक निर्देशक श्रीमती आकांक्षा चौहान जी है और श्री प्रियांशु उपाध्याय जी निर्देशक है। उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि इस तरह का विद्यालय इन्होंने बायसी में एक, मतलब ये लोग 15 सालों का इन लोगों का एक्सपीरियंस है, दोनों वाइफ हस्बैंड शिक्षा के क्षेत्र में ही लगे हुए थे और कई वर्षों से कई स्कूल में इन दोनों ने सेवा दे चुकी है और इन दोनों का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ कि तरक्की करे, आगे बढ़े और इस विद्यालय का नाम आगे जा कर के भविष्य में
आगे जाकर के प्रथम स्थान में आए, इनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बाईसी अनुमंडल क्षेत्र में वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल का जो उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारी माननीय मेयर और माननीय विधायक जी और सभी स्कूल के टीचर्स और सभी लोग उपस्थित हैं, और इस क्षेत्र में ऐसे स्कूल का बनना इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारा क्षेत्र अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, तो यहाँ इंडस्ट्री जैसी कहीं कुछ है नहीं, तो ऐसे में हमारे बच्चों को सस्ते में और अच्छा एजुकेशन मिलेगा, तो ये यहाँ के बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही यहाँ के जो फाउंडर हैं उनके द्वारा काफ़ी जगह अपना योगदान दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये सारा एक्सपीरियंस यहाँ के बच्चों को मिलेगा। तो यहाँ के बच्चों को इसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और यहाँ के फाउंडर और डायरेक्टर चेयरमैन साहब को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे इस एडमिशन के मौके पर? लगभग हमारा अप्रॉक्सीमेटली 100 होने वाला है एडमिशन पॉइंट काउंटिंग, और हम लोग के यही हम लोग की उम्मीद है वो लोगों से कि वो लोग हमको और सपोर्ट करेंगे तो हम लोग का स्कूल ग्रो करेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को जो एजुकेशन जो है वो अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो हम लोग चाहते हैं बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, तो बच्चे हर चीज़ में अच्छा सीखें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। ऐसा नहीं है कि उनका छोटी छोटी चीज़ें ही सिखाने, छोटी छोटी चीज़ों से ना बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में हम लोग का फोकस रहेगा, मेन उनको इनोवेटिव लर्निंग, इंटरेक्टिव लर्निंग, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना वो पहले से ही अपने आप को चाहते हैं कि वो एडवांस एटमॉस्फेयर में डेवलप करना, तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे ज़्यादा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है कांक्षा और मैं इस स्कूल की चेयरमैन हूँ। बाईसी के धरती पे वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल का आप शुभारंभ किए हैं, किस तरह से आपको ये दिल में ख्याल आया कि बाईसी के जैसे एरिया में इस तरह का स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या चल पाएगी? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल के हमारे विद्यालय के बारे में और हमारे बारे में शुभ सोचा। मैं आप बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में जहाँ तक बात है, तो देखिए क्षेत्र हम क्रिएट करते हैं। कोई भी क्षेत्र पहले से ना तो डेवलप्ड होता है, ना डेवलपिंग होता है, ना अनडेवलप्ड होता है। हम उसको जैसा चाहते हैं वो वैसा होता है। अगर हम चाहें कि ये क्रिएट कर दे एटमोसफेयर कि ये डेवलपिंग क्षेत्र जो है वो डेवलप कर जाए, तो हम इस प्रोसेस में वन बाय वन करके मूव करेंगे। मुझे ये पहले से भी अंदाजा है इस क्षेत्र के बारे में कि लोग जुझारू हैं, लोग सपोर्टिव हैं, और लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता है कि एक अच्छा ए ग्रेड का विद्यालय बाईसी में हो। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, हमारे टीम को ऐसा एहसास हुआ, विंस टीम को, कि हम लोग एक एनर्जेटिक वे यंगस्टर मिलके क्यों ना हम एक अच्छा इनिशिएट करें इस क्षेत्र में। और जैसा कि आपने देखा हमारे उद्घाटन समारोह में कि जो भी गणमान्य थे, जैसे हमारे एमएलए साहब, जैसे हमारी महोदया मेयर महोदया पूर्णिया और हमारे एसडीएम महोदया, उन लोगों ने अपने बहुमूल्य समय निकाल के हमें प्रोत्साहित किया कि आप आगे बढ़ें और हम आपके साथ हैं। तो बिल्कुल मैं यहाँ के हर एक जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप आएं हमारे विद्यालय में और मेरा टेस्ट करें, हमारे सिस्टम का टेस्ट करें, हमारे मैनेजमेंट का टेस्ट करें। अगर आपको प्रीफर नहीं होते हैं आप हमारे क्षेत्र से, तो आप मुझे शिकायत करें, फिर मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो मैं चाहूंगा, मैं अपनी कॉन्फिडेंस के साथ और अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि आप हमारे जो भी रिजल्ट ओरिएंटेड है हम लोग, और जो भी हमारा वर्क होगा वो आपको बहुत अप्रिशिएट करना होगा हमारे काम को, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप अप्रिशिएशन कीजिएगा वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल को। अपना परिचय। मेरा नाम प्रियांशु उपाध्याय है और मैं यहाँ पे एज अ डायरेक्टर वर्किंग हूँ।